सर स्वागत है आपका, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। काफी अफसोस होगा जिस तरीके से ये कैंपेन आखिरकार खत्म हुआ, जिस तरह के फाइनल नतीजे आए। हाँ, बहुत ही अफसोस हुआ। हालांकि मैं इस वक्त आपके सामने कुछ जीत का जश्न या हार का मातम मनाने नहीं आया हूँ, मैं चिंता में हूँ इस वक्त की। एक तरफ तो जरूर जो कि हमारे दोस्तों ने जितना बढ़िया परिणाम दिया, लालू यादव जी ने और नीतीश कुमार ने और राहुल गांधी ने, तीनों ने बिल्कुल सोने पर सुहागा बनकर गजब का परिणाम दिया। वहीं दूसरी तरफ हमारी पार्टी इतनी कोशिश के बावजूद, इतनी मेहनत के बावजूद, इतने लोगों के जमावड़ा के बावजूद, इतना खर्चा करने का, खर्चा इन द सेंस के टैलेंट एनर्जी सब करने के बावजूद, और उसके बाद ये परिणाम आया है, ये दुखद है, ये चिंताजनक है। हम इसी चिंता में है कि कैसे हम इसको और मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी है। आपने इंट्रोस्पेक्ट किया, उस मंथन से क्या निकला, आपके हिसाब से क्या वो बड़ी चूक रही जो बीजेपी से हुई जिसके चलते इतना खराब रिजल्ट? अब भी जो मुझे इमीडिएटली लग रहा है, वो लग रहा है कि हम नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा बढ़ गए। हम जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया हम लोगों ने, जिस तरह हमने जंगल राज कहना शुरू किया। जंगल राज जो है, कुछ भी कहें आप, जंगल राज के बहुत सारे लोग समर्थक भी थे, बहुत प्रशंसक भी थे। कई लोगों को तो जंगल राज आज याद ही नहीं है, न्यू वोटर्स को, कई लोगों को उन्होंने देखा ही नहीं, सुना होगा शायद कभी। और उसके बाद जंगल राज कहके कहीं उनको भी उसका भागीदार तो नहीं बना रहे थे, कहीं हम उनको दुख तो नहीं पहुंचा रहे थे, उनको महसूस होता था कि हमें लोग जंगली बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? तो जंगल राज वाली बात हुई। उसी तरह से आप जिस तरह से जिस भाषा का प्रयोग किया, और जिस तरह से अब लगता है कि DNA बात हुई या शैतान वाली बात हुई, उससे बिहार के लोगों की अस्मिता पर भी असर पड़ा। और एक और महत्वपूर्ण बात है, उस पर मैं नहीं जानता, मैं विश्लेषक नहीं हूँ, लेकिन हमारे बहुत ही आदरणीय फादर फिगर या गॉडफादर फिगर मोहन भागवत जी, जो संघ के प्रमुख हैं, उन्होंने जो कही थी, जिसका लालू यादव जी ने जिक्र किया है कि उन्होंने रिजर्वेशन की कुछ बात की थी, मैंने भी कहा था कि भाई वो गंभीर व्यक्तित्व के मालिक हैं, उनकी बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। जो उन्होंने कहा आप क्या करें क्या नहीं करें, उस पर नहीं कहा था मैंने। तो ये सब बातें जो हैं, और ऊपर से एक और भी कारण मुझे दिखता है, क्या बिहार के इलेक्शन में, जो आपने खुद ही कहा ओरिजिनल बिहारी बाबू, आप बिहारी बाबू को ही नहीं बुला रहे, उनके चाहने के बावजूद, उनके डेट देने के बावजूद, मैं 6-7-8 अक्टूबर डेट दिया, मैंने 24-25-26 अक्टूबर डेट दिया, तो कहां चूक रही, क्यों नहीं बुलाया आपके वजह से? शायद कुछ लोगों को राहुल ऐसा लगता है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुझे भी ले डूबेंगे। उनको लग रहा था कि जो राइटिंग ऑन द वॉल दिखाई पड़ रहा था, जो मुझे भी दिखाई पड़ रहा था, आपको पहले से नजर आ रहा था कि हाँ। बिल्कुल, मैंने आपको अगर याद हो, मैं दिल्ली के चुनाव में भी केजरीवाल के घड़ी में मैं ही पहला व्यक्ति था जो मैंने कहा था कि राइटिंग ऑन द वॉल दिखाई पड़ रहा है, मामला ऐसा मत करो, केजरीवाल को गालियां मत दो, नेगेटिव काम मत करो, हम अपने डेवलपमेंट की बात करें, अपने विजन की बात करें, हम पूंजी निवेश की बात करें, हम लोगों को रोजगार कैसे देंगे उसकी बात करें, बिहार को प्राइड वाली स्थिति में कैसे लेकर आएंगे उसकी बात करें, लेकिन हम चले जाएं नेगेटिव। और नेगेटिव पॉलिटिक्स मैंने देखा है आज तक, वो कभी भी, मैं तो खुद जयप्रकाश नारायण से प्रभावित होकर आया हूँ, नानाजी देशमुख वगैरह से, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी से, मैं हेल्दी पॉलिटिक्स में आया हूँ, और हेल्दी पॉलिटिक्स में रहते रहते मैं हमेशा देखा है कि नेगेटिव पॉलिटिक्स कभी जो है वो पॉजिटिव रंग नहीं लाती है, नेगेटिव। सबसे वो बाहरी लोग जो कि बीजेपी के इस कैंपेन के इंचार्ज थे, क्या पार्टी को इंट्रोस्पेक्शन के तहत उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए, आखिरकार इतनी बड़ी चूक क्यों हुई? देखिए, समीक्षा तो होनी चाहिए, जरूर इंट्रोस्पेक्शन तो होनी ही चाहिए, आखिर क्या है। अब कुछ लोग कह रहे हैं, पता नहीं कहाँ तक सही है, कुछ ने कहा कि सब मुझ पे एक्शन लेने की बात हो रही है, भाई मेरा कसूर क्या है, मुझ पे क्यों एक्शन लोगे आप, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया, क्या अपराध है मेरा, मैंने आज तक जो बातें की हैं पार्टी के हित में की हैं, पार्टी के ग्रोथ के लिए की है, 2 सीटों की पार्टी थी तब से लेकर आज तक पूर्ण बहुमत की पार्टी मैं चला आ रहा हूँ, मैंने तो ऐसा कोई काम किया नहीं जो ये करेंगे। और फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें इसके पहले हो गई, दिल्ली में हम इतनी ह्यूमिलिएटिंग डिफीट हुई थी, 3 सीटों की पार्टी स्कूटर पार्टी बन गए हम लोग, भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत पार्टी, 4% पार्टी। हाईकमान आपसे खफा है कि आप एंटी पार्टी बयान देते रहते हैं, उनको लगता है कि टीम स्पिरिट की कमी है, इस वजह से वो तो आपको पार्टी से निकालने के बारे में तक सोचते हैं। बताइए, मैंने तो सुना नहीं है ऐसा मुझे किसी वरिष्ठ, हालांकि मुझे जो वरिष्ठ लोगों ने कहा है, बड़े लोगों ने कहा है, उन्होंने यहाँ तक कहा कि आपकी सारी, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपने अभी तक जो किया है सब बिल्कुल उचित किया है, कहीं आपसे कोई भूल नहीं हुई है। ये बड़े बड़े लोगों ने, जिनका नाम नहीं लेना चाहिए, उन्होंने मुझे बताया है, मुझे आशीर्वाद भी दिया है कि आपने सिद्धांतों के साथ
इश्यूज के साथ, सिद्धांतों के साथ और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ समझौता नहीं किया तो अच्छी बात है, लेकिन आप इश्यूज के साथ रहें। मैंने अगर दाल की महंगाई को अंकुश लगाने की बात की तो वो तो पार्टी हित में और बिहार के हित में बात की। अगर मैंने कहा महंगाई कम करो, चाहे नेगेटिविटी मत करो, तो ये तो अच्छी बात है। एंटी पार्टी कहाँ है? मैं इतना तो मैच्योर्ड हूँ, सीनियर हूँ पार्टी में, कि मैं जानता हूँ क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए और किस हद तक बोलना चाहिए। तो मैंने कोई एंटी पार्टी एक्टिविटी नहीं की है, लेकिन हाँ मैं आपसे यही कह रहा था राहुल कि अगर दिल्ली के चुनाव के बाद किसी पर एक्शन नहीं लिया गया, ह्यूमिलेटिंग डिफीट के बाद, कर्नाटका से लेके यूपी से लेके हिमाचल के इलेक्शन के बाद हारने के बाद किसी भी एक्शन नहीं लिया गया, तो क्या मैं अकेला, मैं एक ही वाहिद गरीब और शरीफ आदमी हूँ जिस पे बगैर किसी कसूर के, बगैर किसी इल्ज़ाम के और बगैर किसी पुष्टि के उस पे एक्शन लिया जाए? ये कहाँ का तुक है। लेकिन फिर भी अगर एक्शन लिया जाता है तो सर आपको सलाम, कोई बात। नीतीश कुमार से आपकी खास दोस्ती है, आपने उनको मुबारकबाद भी दी, उनके काम को सराहा भी, वहां पर कोई आपको लगता है कि गुंजाइश है जेडीयू ज्वाइन करने की? मैंने कहा है हमेशा भारतीय जनता पार्टी मेरी पहली और शायद आखिरी पार्टी है। आखिरी पार्टी? हाँ, कोई सवाल नहीं, पहली और शायद आखिरी पार्टी है। लेकिन अगर आप ऑप्शंस की बात करें, कभी अगर ऐसा मौका आया तो एक ऑप्शन तो ये भी था, रिकॉर्ड मार्जिन से जीतता रहा हूँ, रिकॉर्ड मार्जिन से पिछली बार भी, इस बार भी, और रिकॉर्द वोट शेयर परसेंटेज तो शायद कंट्री में वन ऑफ द हाईएस्ट था, 55% से ऊपर लेकर आया हूँ। तो कभी आदमी इंडिपेंडेंट भी खड़ा हो सकता है। और जहाँ तक नीतीश बाबू की बात है तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, नीतीश हमारी बहुत कदर करते हैं, बड़े भाई की तरह आदर करते हैं, हमें तो उन्होंने प्राइड ऑफ बिहार भी कहा, एक बार नहीं कई बार कहा है, हम उनके बहुत आभारी हैं। नहीं, लालू यादव हमारे बहुत पारिवारिक संबंध है, हमारे दुख सुख में उन्होंने साथ दिया है और मैंने भी दुख सुख में उनका साथ देने की कोशिश की है। और राहुल गांधी ने आज जो चमक दिखाई है, अभी एक राहुल आपकी चमक देख रहा हूँ, एक राहुल गांधी की देखता हूँ, गजब कर दिया इस बार उन लोगों ने। इसीलिए कहा कि तीनों को मिला के राजनीतिक दृष्टिकोण से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का तकाजा है। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया शॉटगन साहब। मैंने कहा कि क्या नीतीश कुमार से आपकी गहरी दोस्ती को देखते हुए ये माना जाए कि अगर बीजेपी आप पे कार्रवाई करती है तो वो एक दरवाजा आपके लिए? देखिए, मैं ये कह रहा था आपसे कि अगर ऐसा कभी होता है, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई कारण है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी होगा, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, तो कोई इसका कारण ही नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हैं कभी ऐसी स्थिति पैदा होगी तो एक स्थिति पैदा होती है, तो एक ये भी है कि आप इंडिपेंडेंट में खड़े हो सकते हैं और जिस रिकॉर्ड मार्जिन जीतते हैं तो बहुत सारे लोग आपको साथ देने आ जाएंगे, बहुत सारे जो आपको चाहते हैं, मानते हैं, दोस्त हैं, प्यार करते हैं, वो आपको गले लगाएंगे, उससे क्या बात है। लेकिन आप कोई पार्टी ज्वाइन करना ही तो जरूरी नहीं है ना। आपको लगता है जिस तरीके से हम आपकी अभी भी वर्तमान लोकप्रियता देख रहे हैं, रात का वक्त है, लोग ठीक से देख नहीं पा रहे, लेकिन जैसे ही हल्की सी उनको रोशनी में दिखता है कि शत्रुघ्न सिन्हा इस गाड़ी में बैठे, फौरन रोक रुक के फिर बहुत देर तक आपको रोके रखते हैं, फोटो खींचते हैं, आपको लगता है ये पॉपुलैरिटी का ठीक से कैंपेनिंग में इस्तेमाल ना करना, बाहरियों को लाना, बिहारियों को इग्नोर करना, ये बहुत बड़ी चूक रही? जी, मैं समझता हूँ कि ये गलत हुआ, क्योंकि उनको ये देखना चाहिए कि मैं सिर्फ राज्यसभा से नहीं हूँ, मैं लोकसभा से हूँ, यानी मासेज के जरिए एक नए नए रिकॉर्ड, नए नए आयाम पार कर रहा हूँ, नया रिकॉर्ड बनाते हुए आ रहा हूँ। उसको अगर आप नहीं लाते हैं जो आना चाह रहा है, आप उसको अपने कारणों से या निजी स्वार्थ की वजह से नहीं ला रहे हैं, तो आप ये भी तो जानें कि इस आदमी के, शत्रुघ्न सिन्हा या बिहारी बाबू, इनके भी तो लाखों समर्थक हैं, प्रशंसक हैं, वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, तो क्या उनको तकलीफ नहीं हो रही होगी, क्या उनको दुख नहीं पहुंचा होगा? और ये क्यों, एट व्हाट कॉस्ट, किस कॉस्ट पे आप ये सब हरकत कर रहे हो, और उसका नतीजा आप देखो। मैं नहीं कहता हूँ मेरे आने से बहुत फर्क पड़ गया होता, पर कुछ फर्क तो जरूर पड़ता। आपको लगता है कि जो ओवर सेंट्रलाइजेशन इस वक्त बीजेपी में हो गई, कुछ ही लोग सारे फैसले ले रहे हैं, क्या उसको भी चेंज करने की जरूरत? जी, इसीलिए मैं कह रहा था बाहरी और बिहारी, मैं उस सेंस में नहीं कह रहा था जिस सेंस में कुछ लोग ले रहे हैं। बाहरी बिहारी इतने लोगों को बाहर से लाला के यहाँ बिठा दिया, जिनको न यहाँ भाषा की पकड़, न यहाँ पे जाति समीकरण की पकड़, न जगह की पकड़, न गांव की पकड़, न ग्रामीण क्षेत्र की, न शहरों की, अब इन लोगों को ला के बिठा दिया यहाँ पे ऐसे। उससे तो आपका कई बार आपका अपना डिस्परेशन शो करता है। इतनी जगह दिल्ली में ये जो लड़के जो नए नए मंत्री हैं, क्या नाम इनका, राजीव प्रताप रूडी और धर्मेंद्र प्रधान, एक एक वार्ड में गए और जहाँ जहाँ गए वहाँ नतीजा क्या निकला, ये लोग गए कहीं 75,000 वोट से हारे, कहीं 78,000 वोट से हारे। उसी तरह यहाँ पर किस किस को, अब आए हैं तो सबको जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए, एक्शन मुझ पर क्यों लेना चाहिए? आप कह रहे हैं कि जिन लोगों ने कैंपेन किया और जिनकी वजह से हार हुई, उन मंत्रियों के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए?
हम मन कार्रवाई या इसलिए कहा इंट्रोस्पेक्शन समीक्षा होनी चाहिए, जैसे आर के सिंह ने भी कहा है। आर के सिंह फॉर्मर होम सेक्रेटरी ऑफ द कंट्री, कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं है, वो बहुत मेच्योर आदमी। उन्होंने भी कहा है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। और क्यों नहीं, पार्टी में जब आप इतना खर्चा करेंगे, इतना जमावड़ा करेंगे, इतने दिनों तक आप लोगों को बैठाएंगे यहाँ पे, इतना आप बोलेंगे, इतना काम का ढंका और इतना सारे, हम तो फेल हुए। हम इसने इस बार हम में मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं इस बार तो शामिल किया ही नहीं गया। लेकिन अगर ऐसा होता तो मैं अपने आप को भी जिम्मेदार मानता कि वो मैं भी उसमें शामिल हूँ। जिस कैंपेन में तो हमने देखा कि आपकी बेटी पर भी बहुत हमले हुए सोशल मीडिया पे, उन्होंने आपके पक्ष में, आपने जो दाल प्राइसेस पे ट्वीट किया था उसके पक्ष में उन्होंने कुछ लिखा, और उसी के एकदम सोनाक्षी के पीछे लोग चढ़ गए, तो आपको अफसोस हुआ इस बात का कि मतलब नहीं चला? नहीं, 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 पहली बात तो देखिए, जिन लोगों ने किया वो तो वेस्टेड इंटरेस्ट, जो नॉन सपोर्टर, नॉन वेल विशर्स, वेस्टेड इंटरेस्ट, वो लोग करके वो क्या ट्रोलिंग किया उन्होंने, वो तो हमेशा ये लोग करते रहते हैं। लेकिन गलत बात है, आपके बच्चों को क्यों शामिल करना? हम कभी किसी प्राइम मिनिस्टर से या किसी से होगा तो मैं उनके परिवार के ऊपर थोड़ी कभी सोच भी नहीं सकता अटैक करने का। ये लोग करते थे इसलिए कि सोनाक्षी सिन्हा आज बहुत बड़ा नाम है, सोनाक्षी सिन्हा की ट्वीट पे बहुत बड़ी फॉलोइंग है, सोनाक्षी सिन्हा मेरी बेटी है, तो उनको लगा कि इससे ऐसा करेंगे। बट सोनाक्षी ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया, कभी जाओ फिर खाओ। दो आपको उर्दू शेर व शायरी का काफी शौक है, ऐसे टाइम पर जब पार्टी के लिए अच्छी दिवाली नहीं है ये और काफी मातम का माहौल है, तो ऐसे में क्या आपको? मैं याद आता है अभी फिलहाल तो आपसे ही कहूँगा कि, और खासकर फिल्म का गीत याद आता है कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, जय बिहार जय हिंदुस्तान। आपको लगता है कि अभी भी आपके लिए बीजेपी में रहते हुए नई कहानी लिखना संभव है? अभी अगर नहीं लिखेंगे तो फिर कभी नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद जो है, चार उफान के बाद, अपना जिसमें महाराष्ट्र है, उसमें झारखंड है, जम्मू कश्मीर और हरियाणा है, उसके बाद केजरीवाल की सरकार के सामने जिस तरह से हमारी बौखलाहट हुई, या अभी जिस तरह से हमें झल्लाहट का सामना करना पड़ रहा है बिहार में, इसके बाद ज़रूरी है कि हम अपनी मजबूती के साथ सामने आएं, हाउस को ऑर्डर मिलाएं अनुशासन के मामले में। कैसे हाउस ऑर्डर आएगा आपके हिसाब से? हाउस में क्या डिसऑर्डर है, कैसे ऑर्डर आएगा? जब आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे और जब हम बताएंगे कि वी मीन बिजनेस, जो किया है, जैसे मैं कहता हूँ ना कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, वो जो हमने कहा था, ट्वीट भी किया था, तो वैसा होना बहुत ज़रूरी है। नहीं होगा तो फिर ऐसे ही बात बनती रहेगी, बिगड़ती रहेगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ज़रूर हो, और पार्टी में नेतृत्व के मामले में, अनुशासन के मामले में, एक गुटता के मामले में, एक गुट एकजुट कैसे हो, और ये इसको लेके हम आगे चलें, कमिटमेंट पैशन चाहिए। पीएम का ऑरा खत्म हुआ, कम हुआ थोड़ा सा, आपको लगता है कि उनकी जो एक छवि बनी वो डेंट हुई इस चुनाव में? हमारे पीएम बहुत ही डैशिंग है, डायनेमिक है और एक्शन हीरो हैं, उनको ब्लेम करना सही नहीं होगा, इसलिए कि हम लोगों ने उनको गलत फीडबैक दिया, हम लोगों ने, हमारे लोगों ने ये करके गाँव गाँव कस्बे में उतार दिया। ही इज आवर सुप्रीम लीडर, सुप्रीम लीडर को इस तरह से उतारना ये कहाँ तक सही है? लेकिन उनमें लेकिन मैं तो उनकी दाद दूंगा, कितना एनर्जी लेवल है उनके अंदर, और इतनी मेहनत की, इतनी कोशिश की उन्होंने, उसके बावजूद मैं समझता हूँ अगर नहीं इतनी कोशिश करते थे, ये जो सीटें आई शायद इतनी भी नहीं आती। बात करेंगे आप अमित शाह और नरेंद्र मोदी से? मैं तो नरेंद्र मोदी का तो अपने आप को कलीग भी देखता हूँ, हमारे सुप्रीम लीडर भी हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी रह चुके हैं। हमारे बेटे की शादी में आए तो, पहली बार आए तो मैं आजीवन आभारी भी रहूंगा, मैंने कोशिश भी की उनसे बात करने की, और अभी अमित शाह जी से भी कोशिश की थी हमने, भूपेंद्र यादव के जरिए कई बार कोशिश की, नहीं कामयाबी मिली, लेकिन हाँ हम बात करेंगे तो ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं। हमको हमारी पार्टी के हैं वो लोग, हमारी पार्टी के लीडर्स हैं, और भाई मैं भी भारतीय जनता पार्टी का हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी का होने के नाते मैंने पहले भी कोशिश की थी, लेकिन अब चूंकि चुनाव ना की घड़ी, अब थोड़ा ठहराव का वक्त आया है, थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन और समीक्षा की घड़ी आई है, तो जरूरी जाहिर है कि अगर वो मुझे बुलाएंगे या मुझसे मुलाकात होगी तो जरूर बात रखूंगा, कुछ सुनूंगा, कुछ अपनी बताऊंगा उनको। आपने हमें वक्त दिया शत्रुघ्न सिन्हा साहब, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू, वेरी मच नाइस ऑफ यू राहुल, थैंक यू।